हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल की इम्पॉर्टेंस और उसकी नीड के बारे में हम पढ़ेंगे, माने प्रोजेक्ट अप्रेजल की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल जरूरी क्यों होता है और उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन में या प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। तो देखते हैं, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन या प्रोजेक्ट अप्रेजल से आशय है एक प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल लाइफ एवं उसके सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए आवश्यक मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी का डिटर्मिनेशन या डिफाइन करने के लिए किए जाने वाले विस्तृत या एक्सपेंडेड इवेल्युएशन को प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए संपूर्ण सफलता रिसोर्सेज के ऑप्टिमम कलेक्शन पर डिपेंड करती है, जब तक कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा सुदृढ़ एवं लाभदायक प्रोजेक्ट का निर्माण ना किया जाए तब तक उसकी सफलता संदेहास्पद होती है या फिर कंट्रोवर्शियल रहती है उसका जो है, और वो हमेशा संदेह के निशाने पर होता है। सक्षम परियोजना या फिर सफल या कैपेबल प्रोजेक्ट बिजनेस तथा एंटरप्रेन्योर दोनों की स्थिर व लाभकारी भविष्य प्रदान करती है। यानी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर दोनों के लिए क्या होती है, प्रॉफिटेबल लाइफ शो करती है। सफल परियोजना जहां व्यवसाय के लिए लाभ पहुंचाती है वहीं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष को भी लाभ पहुंचाती है। तो सफल परियोजना जो है जहां बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होती है वहीं एक कंट्री के इकोनॉमिक एवं सोशल साइट को भी क्या करती है, एक प्रॉफिट पहुँचाने की एक अपना योगदान देती है। तो कोई परियोजना तभी सफल हो सकती है जब क्रियान्वयन से पूर्व उसकी भली भांति मूल्यांकन कर लिया जाए। परियोजना की सफलता व अथवा असफलता से सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि अनेक इंस्टीट्यूट भी प्रभावित होती हैं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत एंटरप्रेन्योर को अनुदान सहित अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जिन पर सरकारी धन व्यय होते हैं। परियोजना की असफलता से यह धन व्यर्थ हो जाता है। उद्यमिता या फिर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हेतु अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं, उनमें नियुक्ति कर्मचारी और अधिकारी एंटरप्रेन्योर की सहायता में जुड़े हुए रहते हैं, संलग्न रहते हैं। एंटरप्राइजेस की असफलता से इन सभी का श्रम व्यर्थ हो जाता है तथा विकास हेतु रखे गए सरकारी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो कोई परियोजना जब सफल होती है तो इसके पीछे जो कार्य करते हैं उसका पूर्व से क्या होता है या पहले से ही हम क्या करते हैं, भली भांति हम उसका क्या कर सके रखते हैं, एक इवैल्यूएशन करके रखते हैं, उसका प्रोजेक्ट अप्रेजल हम तैयार करके रखते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रोजेक्ट पास होगा कि फेल होगा, कि सक्सेस होगा कि फेल होगा, इसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम प्रोजेक्ट अप्रेजल के थ्रू निर्धारित करते हैं। उसमें अनेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होती हैं। कई सरकारी योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिस आधार पर क्या करती है, गवर्नमेंट जो है जो वो अपने इन्वेस्टमेंट या कैपिटल्स को क्या करती है, एक्सपेंडिचर के तौर पे इन सब प्रोजेक्ट्स पे क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स का सक्सेस होना भी जरूरी होता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में चलाती है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद पहुंचाते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स को।
अगर ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाता है या कोई एंटरप्राइजेस अगर फेल हो जाते हैं या कोई एंटरप्रेनर का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो साथ ही साथ इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और उससे जुड़े हुए टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ जो हैं उनका भी पूरा मेहनत क्या होता है, फेल हो जाता है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो टारगेट बना के चलता है कि मैं अगर यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न में इतना अमाउंट मिलेगा, वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहेगा कि जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ से भी क्या हो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो उसे मिले ही मिले, साथ में कुछ प्रॉफिट भी मिले। और प्रॉफिट किस में मिलेगा, अगर प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो इनकम जनरेट होंगे, साथ ही साथ आसपास का एरिया डेवलप होगा, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगी, अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पर जनरेट होने चालू हो जाएंगे, वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड करना चालू करेंगे, जो कहीं ना कहीं क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए ही प्रॉफिटेबल होता है। तो अतः परियोजना सफलतापूर्वक लाभदायक स्थिति में कार्य करे इसके लिए क्रियान्वित से पूर्व उसका मूल्यांकन किया जाना निरंतर आवश्यक है। मैंने इसी के लिए क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को, मैंने ये दो मेन फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, हमें प्रोजेक्ट का अप्रेजल काफ़ी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, और उसे एग्जीक्यूशन में लाने के पहले हमें उसका ईच एंड एवरी डिटेल से हमें एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि प्रोजेक्ट किसी भी हाल में फेल ना हो। प्रोफेसर हरबर्जर के अनुसार अल्प विकसित देशों में निवेश नियोजन का सार इस बात से में से है कि परियोजनाओं का रैंकिंग उनके लागत लाभ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के रेशियो के अनुसार किया जाए तथा घटते हुए क्रम से उन्हें अपनाया जाए, जबकि कि इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध समस्त बचतें समाप्त ना हो जाए। तो प्रोफेसर हार्बर्जर के अनुसार क्या कहते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या करते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रैंकिंग क्या है और उसके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या निकल रहा है, और वो हमेशा घटते हुए क्रम में है। अगर ये अनुपात हमेशा अगर घटते हुए क्रम में है तो समझिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने हम सेविंग करने जा रहे हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, हमें रिटर्न में मिलता जा रहा है, और वो जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिसके बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट अप्रेजल बनाना काफ़ी आवश्यक और महत्व हो जाता है। वो है पहला, विकासशील एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में निवेश के साधन अत्यंत सीमित होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं आपस में प्रतियोगिता करती है। ऐसी स्थिति में नियोजन सत्ता द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन करके प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। तो कई ऐसे विकासशील मैंने डायनेमिक और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स एक ही प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, और वो आपस में ही क्या करते हैं, कंपटीशन करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है प्रोजेक्ट का वो क्या करते हैं, निरंतर करनी पड़ती रहती है, ताकि वो क्या करें, एक सफल एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकें। सेकंड जो है, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि निवेश का आवंटन उन परियोजनाओं एवं क्षेत्रों में किया जाए जो अधिक लाभदायक हैं। किसी भी परियोजना के लागत लाभ के आधार पर ही चयनित किया जाता है। मैंने सबसे पहले सोशल बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम इन्वेस्ट करें तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन हमें मिले, इस आधार पे भी हमें कई बार क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। थर्ड जो है, नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता के पूर्व शर्त परियोजना मूल्यांकन है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नियोजित माने निवेश इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, सफल से पूर्व शर्त
परियोजना मूल्यांकन करते हैं, माने उसमें क्या क्या डिपेंडेंसी है और उसके क्या क्या नीड्स हैं, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, नीड्स है उसके क्या क्या टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, उनके बारे में भी कई बार हमें स्टडी करना होता है। फोर्थ जो है, परियोजना का सही चुनाव परियोजना मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकता है। परियोजना मूल्यांकन निवेश तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध का सही अनुमान लगाने में सहायता करता है। तो परियोजना का सही चुनाव तथा उसके आधार पर मूल्यांकन के आधार, इन सब का साथ ही साथ निवेश तथा आर्थिक विकास का भी के बीच क्या करता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल और आर्थिक और इन्वेस्टमेंट के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या करता है, बीच में क्या करता है, एक रिलेशन शो करता है और ये ज़रूरी होता है आपके प्रोजेक्ट में सिलेक्शन के लिए। एंड फिफ्थ जो है, नियोजित अर्थव्यवस्था में योगदान करना, माने जो इन्वेस्टमेंट वाली जो इकनॉमी है उसमें भी क्या करता है, अपना योगदान देता है। अलाभकारी परियोजना का पता लगाने का कार्य भी परियोजना मूल्यांकन द्वारा ही संभव है, माने जो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है उसके बारे में भी क्या होता है, उस प्रोजेक्ट अप्रेजल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट पास होगा और कौन सा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट्स के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों ज़रूरी है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।